नमस्कार, एमल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। नमस्कार मैडम जी, आपका नाम और आपके शहर से बात कर रहे हैं। सुरेश जी, सुरेश जायसवाल आपको धनबाद झारखंड। नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार मैडम। हाँ जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? वो हमारी एक बेटी थी, उसकी जो सफेद दाग हो गई थी, उसकी दवा जो एक डॉक्टर से कराया था वो रिकवरी हुआ, लेकिन फिर बाद हो जा रहा है। तो आपका प्रोग्राम जो हो रहा था ना, रहा था, तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि सर ऐसा क्या आपका ये है कि सबसे पहले वो कंट्रोल हो जाए। आप अभी कौन सी दवाई यूज कर रहे हैं? कुछ खाने की भी दे रहे हैं बच्चे को दवाई या सिर्फ लगाने की दे रहे हैं? दोनों ऐसा एलोपैथी है। एलोपैथिक है। देखिए मैं आपको ऐसा बता देती हूँ कि एलोपैथिक मेडिसिन में ऐसी कोई भी दवा नहीं है जो सफ़ेद दाग को पूरी तरह से जड़ से ठीक कर सके, ठीक है? और उनमें ऐसी दवाएं दी जाती हैं जो ऊपरी तौर पे दागों को रोकती हैं। जब भी आप वो दवा बंद करेंगे, क्योंकि उनका साइड इफ़ेक्ट रहता है या तो लिवर पे या किडनी पे या कोई और वेट प्रॉब्लम्स होने लगती हैं जिसकी वजह से वो दवाएँ बंद हो जाती हैं, तो उस टाइम पर दाग वापस आने लगते हैं। और अगर फिलहाल अभी दवाई लेते लेते भी दाग बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई और कारण है जो दागों को बढ़ा रहा है। और वो कारण क्या है वो ऑब्वियसली पता करने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट हैं जो कराए जाते हैं, कुछ स्टूल टेस्ट हैं जो कराया जाता है, बार बार कराया जाता है। जब ये ट्रीटमेंट पूरी तरह से किया जाता है तब नए दाग आने की संभावना जो है वो बहुत कम रह जाती है। बट इन सब चीज़ों में जो मेन बात है वो ये है परहेज़, जो कि एलोपैथिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में कभी भी इम्पॉर्टेंस नहीं दी जाती है। बट अगर आप हमसे आयुर्वेद से ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, एमिल से ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि प्रोग्रेशन रुके, तो हम सबसे पहले ये चाहेंगे कि आप परहेज़ जो है वो बच्ची बहुत अच्छे से करें। बच्ची को ये समझना पड़ेगा कि क्या क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और अगर इसका इस्तेमाल ठीक ढंग से किया जाए तो फिर ये जो नए दाग आने की जो प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जा सकता है। तो सुरेश जी, आपको करना क्या है कि बच्ची के दागों की फ़ोटोग्राफ्स आप हमें भेजिए, ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगर वो भी नहीं पॉसिबल है तो पोस्ट कर सकते हैं ताकि हम दागों को देखें और आगे का ट्रीटमेंट बता सकें बच्ची के लिए कि क्या करना है। परहेज़ उसने करना शुरू कर ही दिया है तो ट्रीटमेंट अब अगर जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगा तो जो आप चाहते हैं कि दाग ना बढ़े वो पॉसिबल हो सकता है।